Hello students, now we will see how to draw involute of pentagon. इससे पहले हमने involute of triangle, involute of circle ये दो देखे. आज देखते हैं pentagon का involute कैसे draw करना है. ठीक है, तो particular question में लेन दी है 20 mm. तो पहले हम pentagon draw करके लेंगे. 20 mm side. पेंटागन का एंगल रहता है 72 डिग्री, एक्सटर्नल 72 डिग्री और इंटरनल 108. तो मैं एक्सटर्नली 72 डिग्री एंगल ले रही हूँ, 71 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑल्सो 72. ओके, देन ये पर्टिकुलर एंगल पे आपको लेंथ लेना है 20 mm. एक फेंट लाइन ड्रॉ करती हूँ पहले और उसके बाद उस पर हम लेंगे 20 mm डिस्टेंस. तो ये देखिए यहाँ पे आपका 20 mm आ रहा है. सेम फ्रॉम राइट हैंड साइड जो एक्स्ट्रा है वो रफ कर लेंगे और ये सेम डिस्टेंस चौक में लेके जो साइड हमारी रिमेनिंग है वो मार्क करेंगे. दैट इज 20. एक कॉर्नर पे रख रही हूँ राइट हैंड साइड के और कर ड्रॉ कर रही हूँ. मीनवाइल दूसरे कॉर्नर पे रख के पहले वाले कर को कट करना है. ठीक है, देन जहाँ कट हो गया वो ज्वाइन कर लेते हैं. हमारा पेंटागन हो गया, लेबलिंग करते हैं. कोई भी एक कॉर्नर से शुरू करो, मैं यहाँ से कर रही हूँ ए बी सी डी और ई. देन एज यूजल इन्वॉल्यूट ड्रॉ करना है आपको, तो आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो पेरीमीटर के लिए साइड्स मल्टीप्लाई बाय डायमेंशंस. तो आपके पास एज अ पेंटागॉन 5 साइड्स है और डायमेंशन है 20, तो ये आ जाएगा आपका 100 mm. तो आप ए बी को पैरेलल आपके स्केल सेट करेंगे और 100 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. तो ये देखिए आपका 100 mm यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, देन जितनी लाइन्स है आपके पास या साइड से उसमें से हम लाइन्स ड्रॉ करके लेते हैं. फेंट लाइन्स ड्रॉ कीजिए. अभी मैं डी ई में से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, देन सी डी में से और उसके बाद बी ई में से और ए बी के ऑलरेडी एज ए पेरीमीटर हमने ट्रांसफ़र किए. देन ए बी रेडियस लीजिए, डिस्टेंस लीजिए एज ए बी और ट्रांसफ़र कीजिए ए में से जो लाइन पास हो रही है वहाँ तक. जहाँ कट हो गया वो गया आपका पॉइंट पी वन. देन उसके बाद आप लेंगे डिस्टेंस ई पी वन और रखेंगे ए के ऊपर. डिस्टेंस ई टू पी वन और ए पे रख के आपको पी वन रेडियस ले ली हमने और ई पे ही रख के आपको ज्वाइन करने ई पी वन रेडियस और रखेंगे ई के ही ऊपर. ठीक है, देन जहाँ कट हो गया आपका पॉइंट पी टू. अभी डिस्टेंस लेंगे डी पी टू और डी में से जो लाइन कट हो रही है उसे वहाँ तक ट्रांसफ़र करेंगे. तो वो हो गया आपका पी थ्री. देन सी पी थ्री, सी पी थ्री डिस्टेंस लेंगे और सी में से जो लाइन पास हो रही है वहाँ तक कर ड्रॉ करेंगे. जहाँ कट हो गया वो हो गया आपका पी फोर और लास्ट वाला जो है वो लेंगे हम अभी बी पी फोर और रखेंगे बी के ऊपर. ये देखिए बी पी फोर और सेम ट्रांसफ़र करेंगे पेरीमीटर को कट होने तक. तो जहाँ आपका पेरीमीटर ख़त्म हो गया वही वो कट हो जाएगा. तो वो हो गया आपका पी फाइव, 5 साइड्स है उसकी वजह से पी फाइव. सो लाइक दिस आपका इन्वॉल्यूट ऑफ पेंटागन हम ड्रॉ कर सकते हैं.
तो यहाँ पे हम पेरीमीटर का डायमेंशन शो करेंगे एज यूजुअल, जितने डायमेंशंस क्वेश्चन में हैं उतने कंपलसरी आपको शो करने हैं। तो पेरीमीटर है यहाँ पे 100 mm और साइड है 20 mm, तो साइड का भी डायमेंशन दिखाएंगे हम, कोई भी एक साइड का डायमेंशन दिखा सकते हैं आप। तो वो डायमेंशन है आपका 20 mm, जितनी एक्स्ट्रा लाइंस गई है वो रफ कीजिए। सो यू कैन ड्रॉ पेरीमीटर, यू कैन ड्रॉ पेंटागॉन ऑफ इनवॉल्यूट।